नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, बात रेखा की हो रही है। रेखा की निजी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से हम आपको सुना रहे हैं। रेखा और मुकेश अग्रवाल का रिश्ता अब टूटने की कगार पे था। रेखा के लिए मानो इस रिश्ते का मतलब ही खत्म हो चुका था। उनके जहन में ये रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। मुंबई में तलाक के कागजात तैयार कराए जाने लगे। रेखा इस पूरे हंगामे से अपना दिमाग हटाने के लिए खुद को शूटिंग और फिल्मों में व्यस्त रखने लगी। वो सुनील दत्त के सामाजिक ड्रामा फिल्म या कब बुझेगी और इच्छाधारी नाग नागिन के कामयाब फॉर्मूले पर बन रही फिल्म शेषनाग की शूटिंग कर रही थी। इस दौरान मनोबाला के निर्देशन में अजीब से नाम वाली उनकी फिल्म मेरा पति सिर्फ मेरा है रिलीज हो गई। फिल्म में रेखा दूसरी औरत के किरदार में थी। फिल्म में उनके साथ जितेंद्र और राधिका भी मुख्य भूमिकाओं में थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सामान्य बिजनेस किया। फिल्म से ज्यादा चर्चा रेखा की निजी जिंदगी की होती रही। अगस्त 1990 में खबरें छपी कि खतरनाक डिप्रेशन के आलम में मुकेश ने नींद की कई गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया और किसी तरह उनकी जान बच गई। रेखा उस समय मुकेश के साथ नहीं थी, न ही उन दोनों की कोई बात हुई थी, मगर फिर भी फिल्म पत्रिकाओं को मसाला मिल गया और रेखा की इस एक तरीके से जो अलगाव चल रहा था या मुकेश से इन परिस्थितियों में भी न मिलने को, मुकेश की हालत का पूरा इल्ज़ाम रेखा पर ये मैगजीन्स थोपने लगी। स्टारडस्ट मैगजीन की कवर स्टोरी का टाइटल मानो चीखता हुआ सा था, हाउ रेखा ड्रोव मुकेश टू अटेम्प्ट सुसाइड। यह भी रिपोर्ट आई कि इस वाक्य के बाद रेखा ने खुद मुकेश को फोन किया और कहा, अगर एक शादी नहीं चल पा रही है तो इससे हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं जो झूठे दिखावे के लिए रिश्ते का ढोंग या धोखा करती रहूं। एक ऐसे रिश्ते के आगे बढ़ने का या उसे आगे बढ़ाने का क्या फायदा जिसका कोई भविष्य ही ना हो। आधी अधूरी जानकारी की बुनियाद पर पक्ष लेना और बातें बनाना आसान है, लेकिन किसी शादीशुदा जोड़े की निजी जिंदगी में वाकई क्या चल रहा है ये पूरी तरह जानना शायद मुमकिन नहीं है। ऐसे रिश्ते में जज्बात, अल्फाज और अहम का टकराव होता है और बाहर से ये समझना बेहद मुश्किल है कि गलती आखिर किसकी है। क्या अपने मन की शांति के बजाय रेखा को मुकेश का साथ निभाना चाहिए था? क्या गहरे मतभेदों के बावजूद उन्हें मुकेश के साथ रहना जारी रखना चाहिए था? अगर वो ऐसा करती तो क्या इसे पक्के से कहा जा सकता था कि मुकेश फिर कभी खुदकुशी की कोशिश नहीं करेंगे? क्या रेखा अपने पति और इस रिश्ते की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही थी? नीरज कुमार, जो कि दिल्ली के बाद में पुलिस कमिश्नर बने और मुकेश अग्रवाल के बहुत गहरे दोस्त थे, रेखा से भी कुछ मुलाकातें उनकी हुई थी। नीरज कुमार बाद के दिनों में याद करते हुए बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि रेखा से शादी करने के बाद उसे अपने हालात या डिप्रेशन से निजात मिल गई हो। मुझे नहीं लगता कि वो वास्तव में कभी बेहद खुश था, क्योंकि बीमारी उसके अंदर थी और उससे बचकर निकलकर आसान नहीं था उससे निकलना। नीरज बताते हैं कि मुकेश ने कई बार खुदकुशी की कोशिश की थी। एक बार तो उसने खुद को अपने ही स्विमिंग पूल में डूबकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उसके स्टाफ ने देख लिया और उसे खींचकर पूल से बाहर निकाल लिया। मुकेश के दोस्तों और परिवार के लिए उन्हें हर रोज समझाना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार नौबत यहां तक आने लगी कि जब जब ये खबर आती कि मुकेश ने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो मुझे चिढ़ सी होने लगती। हर दूसरे तीसरे दिन या उसका फोन आता कि वो अब जीना नहीं चाहता। फिर उसकी खुदकुशी के प्रयासों की खबरें आती। मुझे लगने लगा था कि ये आदमी बस अपनी तरफ ध्यान खींचने या अटेंशन पाने के लिए ऐसा करता है। मुकेश बुरी तरह हताश, निराश और लंबे समय से डिप्रेशन में था। 10 सितंबर साल 1990 ये वो तारीख है जब मुकेश ने एक बार फिर रेखा को फोन मिलाया। इस बार रेखा ने फोन उठाया और दोनों की बात हुई।
कुछ देर बातचीत के बाद वो आपसी सहमति से तलाक के लिए राजी हो गए। शादी के बस 6 महीने बाद ही उनका रिश्ता खात्मे की कगार तक पहुंच गया। 26 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका चली गई। एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताने का रेखा का ख्वाब चटक कर चकनाचूर हो गया था। कुछ दूर तक साथ चलने के बाद हम सफर अपने अपने अलग रास्तों पर जाने को तैयार थे, लेकिन जो रास्ता मुकेश ने चुना वो सबके दिलों में कभी न भरने वाला एक गहरा जख्म छोड़ गया। एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भर सकता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।